मैं आरपीएस इंटर कॉलेज से राहुल कुमार मिश्रा आज आप लोगों को वायु सेवर ड्रोन के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले टर्न पर आप लोगों को इससे रिलेटेड एक बात बताई गई थी कि जहां पर किसी तार में होकर की धारा बहती है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। किसी तार से होकर के यदि विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो अब बायो सेवर्ट लॉ के आधार पर आप ये पढ़ेंगे कि आखिरकार उस तार से होकर के कितना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, कितना उस चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा ज्ञात करने का ये एक नियम है। अब हम किसी तार से होकर के जब चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो संपूर्ण तार से होकर के जाने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो ज्ञात कर नहीं सकते हैं। तो लिहाजा टेस्ट करने के लिए क्या है, उस संपूर्ण तार से तार का एक सूक्ष्म पार्ट ले लिया जाता है, एक सूक्ष्म पार्ट ले लिया जिसकी लंबाई मान ली कितनी dl और ये तार इसमें सोकर के करंट i फ्लो हो रहा है, i करंट जिसकी दिशा ये है नीचे से ऊपर की ओर। संपूर्ण लंबाई के कारण इसमें से होकर के कितना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा ये चीज हम लोग नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या करेंगे, एक सूक्ष्म पार्ट ले लेंगे, इस संपूर्ण तार से सूक्ष्म पार्ट ले लिया जिसमें से होकर के जाने वाली धारा के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं टेस्ट के तौर। तो इस बिंदु से एक बिंदु आर दूरी पर हमने यहां पर एक बिंदु पी लिया, आर कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जिस पर हमें इस में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखिए, आपको कल हमने एक बात बताई थी, अगर धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होगी। देखिए राइट हैंड पाम का रूल क्या है, एक राइट हैंड पाम का रूल, एक दक्षिणावर्त पेज का नियम, ये सब नियम एक बात को शो करते हैं। यदि धारा की दिशा ऊपर की ओर है, अंगूठे की डायरेक्शन में ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से मूव करेगा। यहां हमारे फिगर में धारा की दिशा किधर है, ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर किधर की ओर होगा, बोर्ड के किधर होगा, नीचे की ओर होगा। तो ये हो गया इस तरीके से। और जब इधर से हम इधर निकालेंगे ऐसे यूं करके तो ये क्या होगा, इधर ये यहां पर क्या होगा, ऊपर की ओर बाहर की ओर, ये होगा अंदर की ओर, ये होगा बाहर की ओर, क्योंकि इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से फ्लो होगी तार के चारों ओर। अगर मान लो ये तार है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ये है इस तरीके से, हाँ तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण हुई मान लो डीवी, ये भी कितनी हुई यहां डीवी, यहां से हमने कोई एंगल ले लिया ये थीटा, कितना ले लिया थीटा एंगल ले लिया, इस थीटा एंगल जब ये झुकाव इतना है थीटा झुकाव है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया डीएल लंबाई के लिए डीवी बना। तो बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डीवी वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा जिस रेशियो में बहेगी उसी रेशियो में चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इसके कोण की, कोण क्या है, कितना है, साइन थीटा ज्या, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरा नियम ये है। और तीसरा नियम होता है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्मॉल लंबाई
जो तार की आपने स्मॉल लंबाई ली, छोटी सी लंबाई ली, उसका हिस्सा लिया एक छोटा सा, उसके भी अंतर्मान पा दिया। चौथी बात इसमें बताई गई कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहां से इस बिंदु ओ से, वो मान लो इसे ओ से पी के बीच की दूरी के वर्ग के अंतर्मान पा दिए, वन अपॉन आर स्क्वायर के इस तरह से लिखा जाएगा, डीबी अंतर्मान पाती वन अपॉन आर स्क्वायर। ये सभी नियम मिला करके इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, आई डीएल साइन थीटा बटे आर, ये आ गया। तो डीबी बराबर आ जाएगा, इसको जब हटाएंगे तो एक नियतांक वैल्यू आती है, जब भी अंतर्मानुपाती का साइन हटता है तो उसकी जगह एक नियतांक वैल्यू ले लेती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मान हम लोग क्या रखेंगे, इसके लिए स्पेशल मान है ये म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान। किस फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। इसकी अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, इसकी वेक्टर फॉर्म वेक्टर के रूप में, वेक्टर के रूप में देखिए, डीवी को जब हम वेक्टर दर्शाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई यही रहेगा आई डीएल। अब आखिरकार ये आई जो करंट है वो आर के थ्रू पॉइंट पी पर कितना प्राप्त हो रहा है, किस कंडीशन में, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश जो है वो क्या कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। तो डीएल और ये आर जो है वो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा बटे ये आर। तो ये आर, ये बटे वाला आर जो ऊपर एक तरीके से आर का इंटू हुआ तो आर क्यू हो गया, तो ये बन जाएगा आपका डीवी बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यू, इस तरीके से ये सदिश रूप में है। जहां म्यू जीरो क्या है, जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है जिसका मान म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इज इक्वल टू टेन पावर माइनस सेवन होता है, टेन पावर सेवन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू जीरो इज इक्वल टू फोर पाई इंटू टेन पावर माइनस सेवन, इस तरीके से ये लिखा जाएगा म्यू जीरो इज इक्वल टू फोर पाई इंटू टेन पावर माइनस सेवन। म्यू जीरो का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।